ये हम लोगों का ये क्वालिफाइंग संतोष सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी के लिए है, हम लोगों का स्टेट अरुणाचल प्रदेश का वो सीनियर टीम के लिए, जो मतलब हम लोगों का अभी टेंटेटिवली नवंबर को सेकेंड वीक को होगा। तो उसके लिए अभी हम लोग सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कराने के लिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से उन लोगों को सर्कुलर दिया था कि मतलब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल कंडक्ट करा के वहाँ से प्लेयर बेस्ट प्लेयर लोगों को अपना बेस्ट जो है उन लोगों को नॉमिनेट करके इधर भेजने के लिए। तो वी हैव रिसीव्ड अराउंड 205 प्लेयर्स, मतलब टोटल और सॉरी 250 प्लेयर्स, लेकिन अभी फर्स्ट डे है तो 105 प्लेयर्स जैसे अभी प्रेजेंट हुआ है। तो लेट्स सी कि मतलब कल भी है, तो कल आई होप कि कल उन लोग जो आज नहीं आ पाए शायद दूर डिस्ट्रिक्ट वाला लोग उन लोग कल टर्न अप करेगा। अच्छा, तो ये 2 दिन का ट्रायल ही है? जी जी, अभी हम लोग 2 दिन का रखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें से कुल कितने बच्चों को आप लोग सिलेक्ट करने का इरादा है, जैसे 250 जैसे आप बताया? इसमें 250 जैसे में हम लोग अभी एक्चुअली स्क्वाड में तो जो फाइनल स्क्वाड में होता है उन लोग 22 का लिस्ट होता है, 22 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है, लेकिन हम लोग कैंप के लिए हम लोग प्रोबेबल हम लोग 30 या फिर 35 जैसे प्लेयर्स रखेगा। तो जिसका मतलब हम लोग 15 to 20 डेज का हम लोग कोचिंग कैंप होगा, उसमें जैसे हम लोग लास्ट फाइनल हम लोग 22 प्लेयर्स का हम लोग फाइनल स्पॉट करेंगे। अभी ऐसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ चुका है ऐसे? अभी हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट आया है, 26 डिस्ट्रिक्ट है और प्लस कैपिटल कॉम्प्लेक्स, तो अभी हम लोग 27 मतलब आप 27 डिस्ट्रिक्ट पकड़ के चले गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीडिया, ये आपने इतना दूर से आके इंटरव्यू दे दिया। मेरा नाम बामू ताचुंग है और हम कुरुंग कुमे से बिलोंग करता है, उधर से आया है ट्रायल देने के लिए। और स्पेशली थैंक यू यहाँ का जो मैनेजमेंट है अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन को कि इतना आप एटलीस्ट चांस दे रहा है ना कि एक दो प्लेयर जो ग्रास रूट में है उसको आगे अपना स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरा ख्याल से ये एसोसिएशन का तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ट्रायल, और ट्रायल भी ऐसे नहीं ले रहा है, वो रिकमेंड कर रहा है आपका DFA का तरफ से रिकमेंड कर रहा है, ऐसे ज़्यादा नहीं ले रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्लेयर आया इधर में, वो 250 प्लस आया है, तो अच्छा अच्छा प्लेयर है इधर में। होप कि आगे भी ये चीज़ जो कंटिन्यू होगा, और मेरा ख्याल से सब प्लेयर को बराबर मौका मिल रहा है, अभी जो ट्रायल चल रहा है सबको बराबर मौका मिल रहा है और सब अपना कोशिश कर रहा है कि स्टेट के लिए अपना रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम भी आया है दूर से, अपना एटलीस्ट ट्राई कर रहा है कि स्टेट के लिए एक बार आए रिप्रेजेंट करेगा उनके, इसलिए हम भी ट्राई कर रहा है और आशा है कि आगे भी होते रहेगा और एसोसिएशन भी ऐसे ही हम लोग को चेंजेस फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए प्लेयर को मौका देगा। और गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोग को ऐसे मैंने ये जो ट्रायल है उसका लिए भी मेरा ख्याल से पाउंड तो नहीं होगा शायद एसोसिएशन, फिर भी वो लोग भी जैसे तैसे करके मैनेज करके अभी प्लेयर लोग को इतना मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा पाते हैं इसलिए। भाग्य सर को हम ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम आज यहाँ पे संतोष ट्रॉफी का ट्रायल चल रहा है, 78 संतोष ट्रॉफी का, तो हम लोग यहाँ पे वो ट्रायल देने आए हुए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? पहले आपको भी खेला है सेट के लिए? हाँ, लास्ट ईयर हम खेला था, हम लोग ये अरुणाचल पे हुआ था, तो ये बार भी सोच रहा है अभी ट्रायल देगा, अपना बेस्ट देगा। और बाकी तो ये जो सर लोग हैं बहुत अच्छा से करा रहे हैं। मेरा नाम है रोशगीता, इसके बाद में मतलब कुरुंग कुमे से आया ट्राइल, अच्छा मेरा कुरुंग कुमे से नाम था, तो हमें ट्राइल देना है संतोष ट्रॉफी का ट्रायल, आज होगा इसका कल फिर होगा, तो आज जो सेलेक्ट होगा उसको फिर कल वो ट्राइल देगा। क्या होप करते हैं आप? होप करते हैं अच्छा, सब अच्छा जो खेलेगा उसको सेलेक्ट हो जाए, जो कोच वोच है देख रहे हो लोग मान, हम लोग तो बस अपना अभ्यास देना है बस।